पढ़ाई के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए रेलवे में पूछे जाने वाले 50 इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये क्वेश्चंस रेलवे में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले SSC एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये टोटल 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। मैं 50-50 करके इसमें 20 पार्ट बनाऊंगा। सभी पार्टों को ध्यान से देखिएगा, ये पहला पार्ट है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह है। कितने ग्रह दोस्तों? 8 ग्रह। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स भारत में कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों? वाराणसी में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैसाखी जो त्यौहार है वो किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो ये सिख धर्म के लोग मनाते हैं। किस धर्म के लोग मनाते हैं दोस्तों? सिख धर्म के लोग मनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहनामा जो है वो किसकी कृति है? तो ये फिरदौसी की कृति है। किसकी कृति है? फिरदौसी की कृति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। इम्फाल है मणिपुर की राजधानी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो 1964 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था दोस्तों। यानी आज़ादी के बाद 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था। पुर्तगाली तभी भी भारत से नहीं गए थे, वो भारत में ही थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो ये जम्मू कश्मीर में लागू था, जिसे अब हटा दिया गया है दोस्तों। 31 अगस्त 2019 को ये अनुच्छेद 370 जो है वो हमारे संसद से पास हो गया, इसको हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो वो गोदावरी नदी है। क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है दोस्तों। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, तो ये कौन सी नदी है? यमुना। यमुना जो है वो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? किन्होंने संस्थापक करी थी? तो एओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे आपके? एओ ह्यूम। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालचारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो ये आत्माराम पांडुरंग ने करी थी। किसने करी थी? आत्माराम पांडुरंग ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो थी ग्रामीण स्वायत्ता। क्या थी? ग्रामीण स्वायत्ता। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो वो शहतूत की पत्ती है। रेशम के कीड़े क्या खाते हैं? शहतूत की पत्ती खाते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? वो शेरशाह सूरी ने करवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत जो है किसने लिखा है? तो ये प्रदीप जी ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? प्रदीप जी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो ये घनत्व के कारण होता है। वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब नापने का पैमाना क्या है? तो बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को नापते हैं। किससे नापते हैं? वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से नापते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा शहर जो गंगा तट के किनारे पर बसा है, तो वो कन्नौज है। कन्नौज कानपुर जो है वो गंगा शहर के किनारे बसा है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल वो कब काटी जाती? तो वो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि क्या करता है? हिमालय पर्वत के श्रेणी में शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है, जिसके कारण शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो किसके बीच लड़ा गया था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था दोस्तों। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आता है कि फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो वो बेन किंग्सले थे। कौन थे? बेन किंग्सले। बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो 5 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? तो वर्ष 1945 में गिराया गया था दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाकड़ नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी पर स्थित है दोस्तों। किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो वो कमल है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। हमारा अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? तो वो हॉकी से। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था और उन्हीं के बर्थडे को यानी 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएन की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य है? तो 5 है दोस्तों। वो कौन कौन से है? वो है यूएसए, चाइना, रशिया, जापान और फ्रांस। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? तो वो हड़प्पा है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का स्थान जो है वर्तमान पाकिस्तान में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मुआदिन चिश्ती से संबंधित है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा मुगल राजा जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना करी। तो दीन इलाही की स्थापना किसने करी थी? अकबर ने करी थी दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती है? तो वो वर्षा ऋतु वाली हवाएं होती है यानी कि वर्षा लेके आती है। एक स्टेटमेंट पूछा जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य? तो इसका तात्पर्य कि भारत का कोई राज्य जो है वो धर्म के स्तर पर नहीं है यानी उसमें कोई एक धर्म जो है वो विशेष नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब वो होता है कि जहाँ कोई धर्म जो है विशेष ना हो। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? वो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। जो कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो नासिक। नासिक शहर जो है वो अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? रूस में जो साइबेरिया है क्योंकि इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु होती है, इसकी बहुत ज़्यादा ठंडी जलवायु होती है, इसलिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन, 1857 विद्रोह क्या है? तो वो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह है दोस्तों। ब्रिटिश सेना में जो भारतीय थे उनको जबरन चमड़े से बनी हुई चबड़ी चबाने को दिया जाता था, इसके कारण वो विद्रोह कर रहे थे। किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो वो ताले बनाने के लिए। अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा ताला निर्माता है जी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसको सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे के सहयोग से उन्होंने विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो रंगून में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी? रंगून में। महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी नाम था उनका। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी नाम था उनका। अगला क्वेश्चन है, अमीबा जो होता है उसमें कुल कितने कोशिका होती है? तो उसमें सिर्फ एक, वो यूनिसेलुलर होता है, उसमें सिर्फ एक कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड जो है भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो वो 1963 में नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो मालीगांव। मालीगांव जो है उत्तर पूर्व सीमांत में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन, हमारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और प्रधानमंत्री की? राष्ट्रपति। और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो तेनजिंग नोरगे। कौन था? तेनजिंग नोरगे पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते। अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर ले, चैनल को शेयर करें दोस्तों के साथ। बाकी पार्ट्स के लिए हमसे बने रहे। धन्यवाद।